माँ जी सारी वायरिंग तो ठीक है? ठीक से देख लो, कहीं कोई वायर तो नहीं कटा हुआ है? नहीं माँ जी, सारी सेफ्टी है। लेकिन अगर लाइन डायरेक्ट हो गई तो? माँ जी अर्थिंग है ना, करंट नहीं लगेगा। नहीं, अगर गलती से सेफ्टी निकल गई तो? हाँ, फिर तो शॉक लग सकता है और वायरिंग में आग भी लग सकती है। अच्छा, तब तो ठीक है। एक घर बनाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, फिर क्यों कोई इसी घर को किसी भी तरह के खतरे में डालना चाहेगा? क्यों ये औरत ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रही है? क्या चल रहा था इसके दिमाग में? क्या ये बस उसकी खुद की जानकारी के लिए था या किसी खतरनाक साजिश की तैयारी की जा रही थी? तुम्हें कुछ सुनाई दिया? माँ को खांसी आ रही है, माँ को कुछ हुआ है शायद। माँ आप सो चुकी है, हम भी अपने कमरे में जाएं? माँ की तबीयत अगर दोबारा खराब हो गई तो? नहीं, हम यहीं रहेंगे। अब उनकी तबीयत ठीक है? क्या कर रही हो तुम? धीरे बोलो। माँ जाग गई तो माँ सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। जाओ सो जाओ। हाँ बाबा ठीक है, अगली बार बता दूंगी। वो तो कितने सवाल पूछती है। दीदी लगता है रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई। चुप कर पगली, क्या क्या पूछती है तू मुझसे? अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कौन?
देखना दोपहर से किचन में लगी हुई है, आज सारा तेरी पसंद का खाना बनाया है इसने। बैठ। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बनाया खाने में मम्मी ने? हमेशा बस तेरा ही फेवरेट खाना बनता है। बात करा उनसे? क्या वो सारा टाइम किचन में काम करती रहती है? अच्छा तेरे कॉलेज कैसे चल रहा है? चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। बेडरूम में फोन अलाउड नहीं। अच्छा? वैसे आज का खाना बहुत टेस्टी था। कैसे बनाती हो अपने नरम नरम हाथों से इतनी टेस्टी डिशेस? बस सीख लिया तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अच्छा पर मुझे तुम्हारे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ मेरे बालों को? एकदम अंकल स्टाइल है। अंकल? बताओ अंकल क्या होता है? नहीं क्या क्या कर रहे हो? What are you doing? अंकल अब बता तो बॉल किसके? अरे ये तेरे बालों को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कौवा नोच के चला गया हो। किस कलमुए नाई ने ये तेरी हालत बना के रखी है? हाँ माँ वो बाप ये देखो। अरे माँ अच्छे तो लग रहे हैं। ओ तो तेरी पसंद से हुआ ये सब? वैसे बुरा नहीं लग रहा है, मैं ही ओल्ड फैशन्ड हूँ। अच्छा चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, पिक्चर जाना है ना तुम दोनों को। माँ आप नहीं चलेंगे? हाँ माँ आप नहीं चलेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी तुम दोनों के साथ, वैसे भी मुझे वो कविता के साथ जाना है जगराते में, पता नहीं आज किधर ले जाएगी। और हाँ खाना बहुत सारा बना के रखा पड़ा है, बाहर मत खाना। हाँ जी जी ठीक। यार फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी लंबी थी। नहीं पर तुमने देखने खा दी? अरे यार यार वैसे पता है बहुत भूख लगी है, मैं तो बस इतना थक गया हूं ना कि खा के सीधा सो जाऊंगा। ये माँ ने दूसरा ताला लगा दिया है, इसकी चाबी तो नहीं है मेरे पास। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब माँ को फोन करते हैं और क्या। ये तो अंदर से आवाज आ रही है। माँ ने फिर से अपना फोन छोड़ दिया अंदर। मैंने माँ को कितनी बार समझाया है, क्या करें? हम एक काम करते, हम चाबी वाले को बुलवा लेते। इतनी रात में कोई चाबी वाला नहीं मिलेगा हमें। माँ भी पता नहीं किसके जगराता में गई होंगी, कहाँ ढूंढे हम उन्हें। इस वक्त तो कोई होटल भी नहीं खुला होगा। यार भूख लगी यार मुझे, खाना कैसे खाएंगे हम? अच्छा देखो अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, माँ आती होंगी, हम यहाँ बैठ के उनका वेट कर लेते। पता है बचपन की याद आ गई, जब मैं कोई भी गलती करता था ना तो माँ मुझे ऐसे ही बाहर निकाल देती थी और मैं घर के बाहर ऐसे ही बैठता था आके। वही वाली फीलिंग आ रही है अभी। माँ कब आएगी? भगवान
अरे मेरा तो दिमाग ही कमजोर हो गया है, मेरी वजह से बच्चे न जाने कब से बाहर बैठे रह गए। हाँ माँ फिर से फोन ले जाना भूल गई, पूरी रात हम लोग यहीं बैठे थे। अरे क्या करूं, मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, चल अब अंदर चल और आराम कर ले। चल माँ अब क्या आराम करेंगे, थोड़ी देर में ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा। चल अंदर तो चल। चला जा। जी माँ। माँ। हाँ बेटा। माँ ये चाबियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझसे नहीं संभलेंगी, इन्हें आप ही संभालिए। देखो बेटा, सुमित मेरा इकलौता बेटा है, पिछले 25 सालों से मैंने अकेले पाला है उसे, और मुझे पता था कि उसके लिए मुझे तुझसे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। अब तो समझदार हो रही है, चिंता मत करना, धीरे धीरे इस घर के सब नियम तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। माँ जी रुकिए ना, मैं देखती हूँ। दी मैं आ गई। मोनिका कैसी है? मैं ठीक हूँ। व्हाट अ सरप्राइज, माँ कैसी है? अरे पापा पहले मुझे अंदर तो आने दो। आजा आजा, चल आजा अंदर। अरे मोनिका तुम अचानक, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे पहले बताती तो कम से कम कुछ तैयारी रखते। दी को सरप्राइज देना था ना, इसलिए नहीं बताया। ये माने दी आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे दी आपको परेशान तो नहीं करती ना? चुप कर। ये सवाल इसी से पूछ ले। अच्छा माँ हम ऊपर जाते हैं। लाइए मैं ले लेती। चल आजा। हम माँ को भी साथ लेके चले। दी हम नाइट क्लब जा रहे हैं, वो आंटी क्या करेंगी? लेकिन मोनिका ऐसे जीजू आंटी आपको डांटेंगी तो नहीं ना? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन माँ को बताना जरूरी है। ओके ठीक है बता देंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपने आंटी को आप लोगों के हनीमून प्लान के बारे में बताया या नहीं? मोनी इसकी क्या जरूरत है? दी जरूरत है, वैसे भी 15 दिन की तो बात है, और आप लोग चाहो तो मैं आंटी के पास रुक जाती हूँ। अच्छा चले चलो। हेलो हेलो। हाँ माँ, माँ जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। कौन है वो लोग? अरे ऐसे कैसे हमारे घर में घुस सकते हैं? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी माँ। हाँ क्या हुआ सुमित? अर्जेंटली घर चलना है, माँ ने बुलाया। चलो माँ। माँ कौन थे वो लोग और हमारे घर में कैसे घुसे? अपनी साली से पूछ, इसी के आशिक थे। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूं, धमकी दे रहे थे कि नाइट क्लब जाने वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ ये मेरी बहन है, ये ऐसी लड़की नहीं है। इशिका बहू तुम नई आई हो इस घर में, बरसों से जानती हूँ मैं हेमा को, आज से पहले मैंने इसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। अब देख लो इनकी करतूतों की वजह से हमें भुगतना पड़ेगा। आंटी अगर यही बात है तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट करवा दीजिए। और करवा लो बेइज्जती, एक तो गलती तुम्हारी और पुलिस को हम बुलाए। अब प्लीज मेरी बात सुनिए इशिका, प्लीज पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहन के वजह से तमाशा हुआ है और तुम उसकी साइड ले रही हो। सुमिति मेरी बहन है। इशिका प्लीज यार। मैं इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। दी मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। नहीं तू इतनी रात को अकेले कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। जीजू I'm sorry.
दी, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? लेकिन ओह, तो तुम अपनी कहानी सुना के मुझे परेशान करना चाहती, पर मुझे तुम्हारे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी तो मुझे से हुई ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारी सास ने मेरे साथ होने नहीं दी। क्या? माँ ने, उन्होंने तोड़वाया हमारा रिश्ता। और जानती हो क्यों? क्योंकि उनको सहन नहीं हो पाया कि उनका बेटा अपनी मर्जी से किसी से प्यार करे। हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तब किसे पता था कि इतनी घटिया प्लानिंग कर रखी होगी। और जब मैं वहां पहुंची तो एक्सक्यूज मी, यहाँ से रिंग रोड के लिए बस कहाँ से मिलेगी? एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम रियली सॉरी। ओह, इट्स ओके। वाह, तो ये सब कुछ चल रहा है तुम्हारा। माँ बिल्कुल सही कहती थी, तुम सिर्फ लड़कों को घुमाना जानती हो। सुमित, ये क्या कह रहे हो? मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। जब इसे टाइम देना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सच कहा था, इन लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। सुमित, ये झूठ बोल रहा था। बिल्कुल सही कहती थी। सुमित प्लीज, मेरा विश्वास करो। सुमित प्लीज, हाथ छोड़ो मेरा। सुमित प्लीज, मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानती उसे। उस दिन के बाद से आज तक सुमित ने मुझसे कोई बात नहीं की, एक बार मुझे फोन तक नहीं किया। वो खुद अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। खैर, तुमको देखती हूँ तो मुझे सुकून आता है। अच्छा ही हुआ जो उस घर में मेरी शादी नहीं हुई। अरे ऐशिका, कहाँ गई थी तुम? आप चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ ऐशिका? बात ही करके इसका हाथ छोड़ो। क्या बदतमीजी है, मैं नीचे वहां से बात कर रहा था ना। जब बात कर रहे थे या उनका आदेश सुन रहे थे तुम? इसका क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? जब प्यार उस पल्लवी से करते थे तो शादी मुझसे क्यों की? धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। क्या मामा लगा रखी है तुमने? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, दिन भर अपनी माँ की सुनते हो, कम से कम शादी तो अपनी पसंद से करनी चाहिए थी तुम्हें। माँ मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है, आज तक उन्होंने जो कुछ भी सोचा है ना, अच्छा ही सोचा है मेरे बारे में। देखा मैंने किस तरह उन्होंने मेरी बहन पे झूठे आरोप लगाए थे। इसका मैंने कहा ना, धीरे बोलो, माँ सुन ले। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों चिल्ला रहे तू मेरी बहू पर? कुछ नहीं माँ, गर्मी का कुछ ज्यादा ही असर हो गया इसमें, आप ही संभालिए इसे। दिमाग गरम है तो टेंशन मत ले। माँ आप भी समझ लीजिए, आपका बेटा मेरा भी पति है और हम हमेशा आपकी बात पे नहीं चलेंगे, आप प्लीज समझिए। ये समझना तो तुझे पड़ेगा बाबू। याद है ना तेरी शादी की रात सुमित किस तरह मेरी दवाई ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूम रहा था और फिर तेरे पास आया, लेकिन मेरी परमिशन से। मेरा बेटा है तो मेरी बात तो सुनेगा ही।
जितनी जल्दी ये बात समझोगी उतना तेरे लिए अच्छा है। प्यार, चिंता, जिम्मेदारी एक तरफ है, पर ये तो पागलपन है। क्या ये है एक माँ का काम, अपने बेटे की जिंदगी पे यूं अधिकार जमाना, उसे अपनी उंगली पर नचाना? सोच के भी डर लगता है कि एक माँ अपने बेटे को अपने करीब रखने के लिए इस हद तक गिर सकती है। और इस पागलपन का सबसे बुरा असर हो रहा था एक मासूम औरत। सुमित अपनी माँ के बेहद करीब था, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ उसके साथ, उसकी निजी जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही थी। इशिका के लिए सुमित को इस सच्चाई का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे? अरे हेमा, इतनी रात को कैसे आई? कविता सुनना, वो सुमित अभी तक वापस नहीं आया है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अरे ठीक है ना, कभी कभी हो जाती है देर, परेशान मत हो। लेकिन वो बहू भी? बहू को क्या हुआ? अरे उसके साथ वो भी गायब है। हे माँ, दोनों की नई नई शादी हुई है, कहीं घूमने निकल गए होंगे। तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। नहीं नहीं कविता, सुमित ऐसे बिना बताए इतनी देर रात तक कभी बाहर नहीं रहता। बहू भी है ना उसके साथ, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। सुनना, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी? चलना अभी क्या? अभी अभी? हाँ चलना चलना प्लीज। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। जल्दी आ। माँ नेटवर्क नहीं है इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैं इशिका के साथ हूँ, हम बाहर आए हैं। इशिका ने सरप्राइज प्लान बनाया है, कल सुबह आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि माँ पूजा कर रही है, बट तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फ्रेश होकर आता हूं, उसके बाद हम मनाएंगे माँ को, ठीक है? रिलैक्स। आरती तो ले लो, अपने संस्कार भूल गई हो क्या? लो, बहुत उम्मीदें थी तुमसे। अगर मेरी बात मानती तो इस घर की रानी बना के रख दी तुझे, इस तरह घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी, मैं यहीं रहूंगी अपने पति के साथ। मैं पल्लवी थोड़ी हूं, मुझे आप यहां से भगा नहीं पाएंगी। चल कोई नहीं, जा तो तू रही है ना, तो जाती जाती जरा मेरा ये दुपट्टा फैला देना। मां, मैंने माँ को नहीं धक्का दिया, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। देखो इशिका, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक बात बता देता हूँ तुम्हें, मुझे सिर्फ अपनी माँ का दर्द दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों हो सुमित, अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हो? मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, पर नहीं। सुमित,
छोड़ा है उसे, चली गई ना वो। शिका कहीं नहीं जाएगी माँ, हमारे साथ ही रहेगी। ये तू क्या कह रहा है? इशिका प्रेग्नेंट है माँ। तू जा, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। जी माँ। पागल थी मैं, सब मेरी ही गलती है, माफ नहीं करेगी मुझे, भूल जाना सब कुछ। देख आज से ना तेरी हर हर चीज का मैं ख्याल रखूंगी, तू बस आराम कर। इतना इतना बड़ा घर है, वो छोड़ के विदेश जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे। मत जाओ प्लीज। अरे कितनी बार कहा है तुझसे ये सब काम मत किया कर, मैं सब कर लूंगी, तू बस आराम कर, कुछ खा ले और सो जा। जा। बाबा मेरी बेटी है, जवान है, अब अपनी औलाद है, क्या कर सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। बाबा कुछ कुछ खिलाने वाली दवा हो तो दे दीजिए ना, बस बच्चा गिर जाए। बहू ये ले, मैं तेरे लिए फ्रूट्स काट कर लाई। ले 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 चिल्का। अरे ले लो खा लो, इस स्थिति में अच्छा खाना खाना चाहिए। ले ये खा ले, ये सारे फल तुझे ही खत्म करने, चल खा जल्दी। ये ले और क्या हुआ? नहीं खाया जाएगा मुझसे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? ऐसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुक रुक मैं सुमित को बुलाती हूँ। हाँ। एक मिनट सुमित, सुमित जल्दी जल्दी। देखिए इनका हाई ब्लड लॉस हुआ है, इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे कैसे मिसकैरेज हो गया समझ में नहीं आ रहा, एंड इट इज इम्पॉसिबल होता है। अब माँ खतरे के बाहर है, लेकिन बच्चे के साथ ऐसे कैसे हुआ ये पता नहीं लगा सके। एक्सक्यूज मी, थैंक यू।
सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर ली, थोड़ी देर में हम घर जा सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मतलब? मतलब ये कि मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। क्यों? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ। पिछले इतने महीनों से वो ही मुझे खाना बना के खिला रही है। खाने में कुछ मिला दिया हो तो? इसी का क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी माँ को ब्लेम कर रही हो? कितना ख्याल रखती हूँ तुम्हारा, अभी भी तुम्हारे आने की तैयारी कर रही है वहाँ पर। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। उस घर में मैंने अपना बच्चा खोया है, वापस नहीं जाऊंगी मैं वहाँ। ऋषिका एक बात याद रखना, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। ऋषिका घर चले। मोनी मेरा सामान ले और बाहर जाओ, मैं तेरे साथ घर चलूंगी। ऋषिका गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। मोनी मैंने कहा ना तुझे, मैं तेरे साथ घर चलूंगी। इशिका मेरी बात सुनो, इशिका इशिका सुनो ना, इशिका प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गलती मेरी ही थी, वो लड़की तेरे लायक थी ही नहीं। इस बार मैं तेरे लिए अच्छी लड़की पसंद करूंगी। वो मिसेस मल्होत्रा है ना, उनकी भांजी है, यूएस में पढ़ी लिखी है 2 साल, फिर भी कितनी संस्कारी है, ये उसकी तरह नहीं है। ऐसे रोते नहीं है बेटा। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, घर पर माँ पापा सब आपका वेट कर रहे हैं। भैया गाड़ी घुमा लीजिए। क्या हुआ दी? मुझे अपने घर वापस जाना है, सुमित के पास। दी आंटी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आप वहाँ जाना चाहते हो? और दी जीजू आपको कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए तो जाना है, उन्हें समझाने। सुमित ने मेरे बच्चे को मार दिया, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अंदर आ सकती हूँ माँ? आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। सॉरी सुमित, मैंने बच्चे को तो खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकती मैं। I'm sorry. कुछ मिला? वो माँ क्या ढूंढ रही हूँ मैं यहाँ पे? शॉल ढूंढ। शॉल? अच्छा अच्छा, ढूंढ ले, इत्मीनान से ढूंढो, आराम से ढूंढो। यही क्यों पूरे घर में ढूंढ ले? हम्म, आराम से। हम्म, ले बेटा प्रसाद ले। माँ माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ बता क्या बात है? माँ मेरा ट्रांसफर हो गया है कनाडा। कनाडा? माँ आप प्लीज फिक्र मत कीजिए,
मैं वहाँ पे 2-3 साल के लिए ही जा रहा। आपको मैं बीच बीच में बुलाते रहूँगा, वहाँ मेरे करियर का सवाल है। इशिका, इसे रख लो। हाँ। कैनेडा में ठंड है ना, काम आएगा। हाँ। अच्छे से तय करो ना इसे। इशिका, हाँ। इसे भी रख लो। ये तो कितना पुराना सा है, ये नहीं जाएगा हमारे साथ कैनेडा। इशिका क्या कह रही हो तुम तो? ये माँ ने दिया है मुझे। 10 साल पहले दिया होगा, कितना ओल्ड फैशन है, रहने दो इसे। माँ, हाँ, मैं नूडल्स बना रही हूँ, आप खाएंगी? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है। लगता है कोई दरवाजे पे है। माँ आप रुकिए, मैं जाती हूँ। दरवाजे पर तो कोई था ही नहीं। अच्छा, तो शायद मुझे गलती से लगा होगा। अरे वाह, सुबह सुबह नूडल्स, मजा आ जाएगा। सुमित, 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 मत खाइए, मत खा। मरना है क्या? मरना है मतलब? माँ, नूडल्स है। नहीं, मेरा मतलब है सुबह सुबह ये सब क्या खा रहा है तू? हाँ, मैंने कहा था ना तुझसे, सुबह उठ के सैर पे जाया कर, फिट हो जाएगा। तो फिर? जी माँ। क्या हुआ माँ, क्यों रोक रही है? हाँ? खाने दीजिए ना इन्हें नूडल्स। ऐसा क्या मिला है इनमें? क्या 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 मिला है? कुछ नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब क्या कहोगे अपनी माँ के बारे में? मैं जो कह रही हूँ वो सच है, आप प्लीज मेरी बात पे भरोसा कीजिए। एक बात याद रखना, अभी तुमने जो कुछ भी कहा अगर वो बात गलत हुई तो मैं आगे तुम पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, अब अपना पति नहीं खोना चाहती। बस मुझे एक मौका दे दीजिए हमारे बच्चे के लिए, प्लीज। मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है तू? तेरी औकात है? बस करो माँ, बस। सुमित, जिस तरह आपने मेरे बच्चे को मारा उसके साथ साथ आपने अपने बेटे को भी मार दिया है माँ। सुमित, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा तू? हाँ बस, अब मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा मेरा और आपका। सुमित, सुमित, ऐसे ऐसे मत बोल। सुमित देख बेटा, तेरे बाबूजी की बात, मैंने अकेले तुझे पाला है ना, वो तो याद कर, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं जानता हूँ आपने मुझे पाला है, आपने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन जो आपने मेरे बच्चे के साथ किया है ऐसे कोई भी माँ किसी के साथ नहीं करती है। आपने मेरे बच्चे को मारा और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। ऐसा मत बोलो सुन। इन्हें पकड़ कर ले चलिए। ये सब क्या है सुन? नहीं सुमित, मुझे बचा ली सुमित, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो।
तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। बहुत तरस आता है आप पर निजमा, अगर आपने अपने बेटे को अपनी इच्छा से जीने दिया होता तो आज उसे खोना नहीं पड़ता। ले चल मेरे। सुमित चलिए। सुमित सुमित नहीं सुमित। हेमा को आईपीसी सेक्शन 307 के तहत अपनी बहू पे जानलेवा हमले के लिए और आईपीसी सेक्शन 498A के तहत उस पे अत्याचार करने के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई। काश हेमा ये बात समझ पाती कि उसके बेटे की शादी करने से उनका आपसी रिश्ता कमजोर नहीं हो जाता। अगर उसे सही संस्कारों के साथ बड़ा किया गया है तो वो एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे होने का भी फर्ज बखूबी निभा सकता है। मैं दाद देती हूँ सुमित, जिसने अपनी ही माँ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, और इशिका की, जिसने इतनी मुश्किलों का, इतने खतरों का डट के सामना किया और हर मोड़ पर अपने पति का साथ। अब मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।